दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट करके आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूजी सेमेस्टर टू सेशन 21-24 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो उस फॉर्म फिलअप में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि दो प्रॉब्लम जो कॉमन है, जो काफी सारे जो स्टूडेंट का जो मैसेज आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है। एक तो प्रॉब्लम होता है उनको जो फोटो या फिर सिग्नेचर उनका शो नहीं करता है, वहाँ पे दिखता ही नहीं है उसका फॉर्म में। या तो फॉर्म फिलअप कर लिए हो या फिर फॉर्म ओपन होता है तो वहाँ पे फोटो या फिर सिग्नेचर दोनों नहीं दिखता, या फिर किसी फोटो या सिग्नेचर दोनों में से एक कोई नहीं दिखता है। ये तो पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है पेमेंट का। काफी सारे स्टूडेंट जो पेमेंट कर दिए हैं उसका मोबाइल मोबाइल से जो है पेमेंट कर अकाउंट से पेमेंट कट गया है, लेकिन जो है उसका वहाँ पे शो नहीं कर रहा, प्रिंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे उसका सुलभ होगा, तो ये दोनों जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप इसमें न्यू हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने वीडियो में आपको जो प्रोसेस बताया था, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से करना है, इस वेबसाइट पे करना था, और यहाँ से जो है यूजी सेमेस्टर टू पे क्लिक करना था, तो लॉगिन पे जाता है। लॉगिन पेज पे आपको जो यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जो यहाँ पे लॉगिन करना होता है, कैसे लॉगिन करना है, फॉरगॉट कैसे करना है, वो सारा चीज उस वीडियो में बता दिए। इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे तो। यहाँ से आपको अपना यूजर नाम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से जो आपका जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहले जो ये जो ऑप्शन एक है यहाँ पे न्यू ऐड किया गया, पहले ये ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता था, और ये सारा था। यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होता था। तो अब यहाँ पे जो अपडेट प्रोफाइल एंड सिग्नेचर का एक ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, या तो चाहे आप फॉर्म भर चुके हो या नहीं भरे हो तो इस ऑप्शन का जो आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसे कि आपको जो इमेज है वो जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको जो यहाँ पे अपलोड करनी है, और उसका साइज जो है 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50 KB से कई इसमें 50 KB से ज्यादा हो सकता है कि अपलोड कर दिए हो, इसलिए उनका जो है फोटो सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो सबसे पहले जो अपलोड करने के लिए कोर्स आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे यूजी, उसके बाद आपको सेमेस्टर यहाँ पे आपको टू सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है, और यहाँ से अपलोड प्रोफाइल भी क्लिक करके अपना जो फोटो चूज करना है, और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर भी क्लिक करके एक अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे जो साइज दिया हुआ इसी साइज पे आप यहाँ पे चूज करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको मैसेज देगा, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि आपको जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुका है, और अब जो है आप जो ये फोटो सिग्नेचर यहाँ पे जो आपने चूज किया, यहाँ पे अपलोड किया, वही अब आपका जो है फॉर्म में दिखेगा। आप यहाँ से आप इसको कट कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, और यहाँ से फिर से जो है अपना जो है यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाके और अपना जो है फॉर्म को प्रिंट करेंगे। बाद जैसे दोबारा आप फॉर्म प्रिंट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, और अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं उससे पहले ही आपने यहाँ पे चेंज किया है तो आपको फॉर्म में जो फोटो सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको फिर भी वो सोल्यूशन नहीं होता है तो मैं यहाँ पे एक और आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 10, 10:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने के बाद अपना जो प्रॉब्लम बताएंगे तो वो वहाँ पे जो आपका जो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये तो था दोस्तों आपका जो है फोटो सिग्नेचर जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। अब जो आता है पेमेंट का, पेमेंट का मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि आप मोबाइल वगैरह से पेमेंट करते हैं तो कई बार जो होता है कि सर्वर के कारण जो आपका पेमेंट आपके मोबाइल से तो आपके अकाउंट से तो कट जाता है, लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं होता है। यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया दोस्तों, इसी हेल्पलाइन नंबर पे आपको फोन करना ऊपर वाले पे, और आपको जो है अपना प्रॉब्लम बताना, वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। पेमेंट का जो है दोस्तों, अगर आपको अकाउंट से कट गया है और आपका फिर भी फॉर्म प्रिंट नहीं आ रहा है तो आपको जो है यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अगर आपका पेमेंट अकाउंट से कट जाता है, फॉर्म प्रिंट नहीं आता, तो वैसे तो वो अमाउंट जो ऑटोमेटिकली जो है रिफंड आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे जो एक ईमेल आईडी दिया गया, support.sbiepaid@sbi.com.in, इसी पे जो है आपको मेल करना है अपना जो डिटेल के साथ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट करके जो है बात कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट वगैरह का इशू हुआ है। तो अगर आप मेल करते हैं तो रिटर्न में आपको एक मेल आता है, तो वो मेल जो है इस तरह से आपका रहता है।
तो इस तरह से अगर आपको रिटर्न मेल आता है तो समझिए कि आपका जो है पेमेंट फेल्ड हुआ है और आपको जो है 7 दिन के अंदर वो रिफंड आ जाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट का जो रिफंड आ चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको पेमेंट जो है रिफंड मिल जाएगा, आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है नहीं और जो 5 मार्च जो है लास्ट डेट है और डेट बढ़ेगा कि नहीं इसकी गारंटी अभी नहीं है। तो इसलिए आपको जो है अपना फिर से पेमेंट कर देना है, वो अमाउंट जो आपको रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों ये फोटो सिग्नेचर और पेमेंट रिलेटेड को जो ये इंफॉर्मेशन था जो मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, अब आप लोग परेशान नहीं होंगे, आसानी से आप लोग का काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत